डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क डन बाय द टू स्टेज रेसिप्रेटिंग एयर कंप्रेसर। अभी तक हमने वर्क डन निकाला था टू स्टेज कंप्रेसर के लिए, अब कंडीशन क्या रहेगी फॉर मिनिमम वर्क डन फॉर टू स्टेज रेसिप्रेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए। तो चूंकि अभी हमने वर्क डन निकाला था इसका फार्मूला टू स्टेज के लिए, ये फार्मूला था एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन इन द ब्रैकेट पी टू अपॉन पी वन टू द पावर एन माइनस वन बाई एन प्लस पी थ्री बाई पी टू टू द पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ टू। तो मिनिमम वर्क डन रिक्वायर के लिए हमें परफेक्ट इंटरकूलिंग करनी पड़ती है, और परफेक्ट इंटरकूलिंग करने के लिए हमें इंटरमीडिएट प्रेशर लेना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर जो अपने पास है वो है पी टू इंटरमीडिएट प्रेशर। इसी के रिस्पेक्ट में भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और वर्क डन को जीरो करते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो मिनिमम निकल के आएगी। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द जो वर्क डन दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो ये फार्मूला है, इसी को हमें डिफरेंशिएशन करना है। इज इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो यहां पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा n अपॉन n माइनस वन को k लेना पड़ेगा जो कि एक कांस्टेंट है। उसके हिसाब से यहां पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dp2 ब्रैकेट में इसको k लिख दिया मल्टीप्लाई बाई पी वन वी वन पी टू अपॉन पी वन के प्लस P3 upon P2 K minus of 2 is equal to 0। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट हमारे पास K into P1 V1 है, इसको हम बाहर ले लेंगे। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो 1 upon P1 की पावर K आएगा मल्टीप्लाई बाई K मल्टीप्लाई बाई पी टू के वन माइनस वन प्लस पी थ्री की पावर के इंटू माइनस के, क्योंकि नीचे पी टू लिखा हुआ है इसलिए यहां पे माइनस के आएगा मल्टीप्लाई बाई पी टू की पावर माइनस ऑफ के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा के पी वन की पावर माइनस के पी टू की पावर माइनस के माइनस वन इक्वल टू के पी थ्री की पावर के पी टू की पावर माइनस के माइनस वन आएगा। और आगे सिंप्लीफाइड करेंगे तो पी टू की पावर के माइनस वन मल्टीप्लाई बाई पी टू की पावर के प्लस वन इक्वल टू पी थ्री की पावर के और P1 की पावर K। तो और सिंप्लीफिकेशन करने पर इसको P2 की पावर 2K हो जाएगी, क्योंकि K की पावर यहां पे P2 की पावर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो P2 की पावर 2K हो जाएगी इक्वल टू P3 और P1 की पावर K, यानी कि P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P3 P1 K से K कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर ऑल P2 is equal to under root of P3 P1 जो कि इंटरकूलर या इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो इसको दूसरे वर्ड में इस तरीके से भी लिख सकते हैं P2 by P1 is equal to P3 by P2 या P3 by P1 की पावर 1 by 2। तो इस तरीके से हमने कंडीशन निकाली, दिस इज द कॉल्ड
कंडीशन फॉर मिनिमम वर्क डन, ये कंडीशन हमने निकाली। तो इस कंडीशन को हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में, तो जो वर्क डन निकलेगा W इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस वन इंटू पी वन वी वन, जो फार्मूला हमने यहां पे लिखा था, यहां पे P2 टू बाई पी वन की जगह अब हमें ये लिख सकते हैं P3 थ्री बाई पी टू पी वन वी वन इन ब्रैकेट ऑफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन P2 टू बाई पी वन की पावर n माइनस वन माइनस ऑफ वन प्लस P3 थ्री बाई पी टू जो था उसको हम P2 टू बाई पी वन लिख सकते हैं कि पावर n माइनस वन माइनस ऑफ वन, या तो ऐसा लिख सकते हैं या 2 इंटू एन अपॉन एन माइनस वन इंटू पी वन वी वन इन द ब्रैकेट पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ वन, या इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू जो वर्क रिक्वायर्ड है ईच स्टेज के लिए वो यहां पे हो जाएगा। तो वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज, तो यहां पे अभी हमने निकाला वर्क डन फॉर द इंटरकूलर फॉर द मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड इफ इंटरकूलर आर यूज। यहां पे पी वन वी वन जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एम आर टी वन से, तो फार्मूला जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू टू इंटू एन अपॉन एन माइनस वन एम आर टी वन मल्टीप्लाई बाई P2 टू बाई पी वन की पावर n माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ वन। तो ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास एम आर टी वन की वैल्यू डी रहेगी, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब अपने पास पी वन वी वन की वैल्यू डी रहेगी।